टेन ऑन टेन पेश करते हैं महाराष्ट्र के 10 सबसे बड़े शहर। हेलो दोस्तों, महाराष्ट्र भारत का अरब सागर से सटा एक अहम राज्य है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि महाराष्ट्र के 10 सबसे बड़े शहर कौन से हैं, कई रोचक जानकारियों के साथ। तो वीडियो को शुरू से आखिर तक पूरा जरूर देखेगा, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के चिन्ह पर भी क्लिक कर दीजिए। नंबर 10, नांदेड़। नंबर 10 पर है महाराष्ट्र का नांदेड़ शहर, जिसको गुरुद्वारों का शहर या संस्कृत कवियों का शहर भी कहा जाता है। नांदेड़ में रहते हैं 7,06,000 लोग, और यहाँ हर 1,000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या 930 है। नांदेड़ में प्रति वर्ग किलोमीटर 11,000 से ज्यादा लोग रहते हैं। नांदेड़ में हवाई अड्डा भी है, जो अम्बेकर नगर का श्री गुरु गोबिंद सिंह जी एयरपोर्ट है, और मुख्य रेलवे स्टेशन हजूर साहिब नांदेड़ रेलवे स्टेशन है, जो हर्षनगर में है। नंबर 9, अमरावती। महाराष्ट्र का अमरावती शहर आता है 9वें नंबर पर। अमरावती को इंद्र देवता का शहर भी कहा जाता है। अमरावती में बसते हैं 7,52,000 लोग, और यहाँ हर 1,000 पुरुषों पर 963 महिलाओं का अनुपात है। यहाँ पर प्रति वर्ग किलोमीटर में लगभग 4,500 लोग रहते हैं। अमरावती का हवाई अड्डा बेलोरा हीरापुर में है, और मुख्य रेलवे स्टेशन मलतेकड़ी में है। नंबर 8, सोलापुर। 8वें नंबर पर है सोलापुर, जिसको अपने कपड़े के उद्योग के लिए जाना जाता है। सोलापुर की आबादी है 10,31,000, और यहाँ हर 1,000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या 980 है। सोलापुर में प्रति वर्ग किलोमीटर 6,500 लोग गुजर बसर करते हैं। सोलापुर का हवाई अड्डा शंकर नगर में है, और रेलवे स्टेशन रेलवे लाइन्स में है। नंबर 7, नवी मुंबई। 7वें नंबर पर नवी मुंबई है, जो एक अच्छे से प्लान करके बसाया गया शहर है। इसी कारण से इसे 21वीं सदी का शहर भी बोला जाता है। नवी मुंबई में 15,25,000 लोग रहते हैं, और यहाँ हर 1,000 पुरुषों पर 839 औरतें हैं। नवी मुंबई में हर वर्ग किलोमीटर पर 14,000 लोग रहते हैं। नवी मुंबई के परगांव दुंगी में एक नया एयरपोर्ट बन रहा है, और यहाँ का मुख्य रेलवे स्टेशन पनवेल का रेलवे स्टेशन है। नंबर 6, औरंगाबाद। 6ठा स्थान हासिल किया है औरंगाबाद ने, जिसको सिटी ऑफ गेट्स भी कहा जाता है। औरंगाबाद में 15,58,000 लोग रहते हैं। यहाँ पर हर 1,000 पुरुषों पर 931 महिलाएं हैं, और हर वर्ग किलोमीटर एरिया में 11,500 लोग रहते हैं। औरंगाबाद का एयरपोर्ट छत्रपति संभाजी महाराज एयरपोर्ट है, जो चिकलथाना में है, और औरंगाबाद रेलवे स्टेशन सिल्क मिल कॉलोनी में है। नंबर 5, नासिक। 5वें नंबर पर है नासिक, जो अंगूर की खेती के कारण वाइन कैपिटल ऑफ इंडिया बन गया है। नासिक घर है 20,66,000 लोगों का, जहां हर 1,000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या 901 है। नासिक में प्रति वर्ग किलोमीटर 7,500 लोग बसते हैं। नासिक का हवाई अड्डा ओझर में है, और नासिक रोड रेलवे स्टेशन रजवाड़ा नगर में है। नंबर 4, ठाणे। महाराष्ट्र का ठाणे शहर आता है 4थे नंबर पर। ठाणे को झीलों का शहर भी कहा जाता है। ठाणे की आबादी 28,18,000 की है। ठाणे में हर 1,000 पुरुषों के मुकाबले 890 महिलाएं हैं, और यहाँ प्रति वर्ग किलोमीटर 19,500 लोग रहते हैं। ठाणे का अपना खुद का एयरपोर्ट नहीं है, और ठाणे का रेलवे स्टेशन शिवाजी नगर में है। नंबर 3, नागपुर। नागपुर ने संभाला है 3रा स्थान, जिसको हम ऑरेंज सिटी नाम से भी जानते हैं। नागपुर में 29,03,000 लोग रहते हैं, और यहाँ 1,000 पुरुषों के बदले महिलाओं का अनुपात 965 है। नागपुर में हर वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में 13,500 लोग रहते हैं। यहाँ का एयरपोर्ट सोनेगांव में बना डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर एयरपोर्ट है, और नागपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन सीताबुल्दी में है। नंबर 2, पुणे। दूसरे नंबर पर आता है महाराष्ट्र का पुणे शहर, जिसको डेक्कन की रानी भी कहा जाता है। पुणे शहर में 66,29,000 लोग रहते हैं, और यहाँ पर हर 1,000 पुरुषों पर 950 औरतें हैं। पुणे में हर वर्ग किलोमीटर में 14,970 लोग रहते हैं। पुणे का हवाई अड्डा लोहे गांव में है, और पुणे जंक्शन अगरकर नगर में है। नंबर 1, मुंबई। पहले नंबर पर है मुंबई, जिसे माया नगरी या सपनों का शहर भी कहा जाता है। मुंबई में 2,04,00,000 लोग रहते हैं, और यहाँ हर 1,000 पुरुषों पर 855 महिलाएं हैं। मुंबई में प्रति वर्ग किलोमीटर 23,500 लोग रहते हैं।
मुंबई का एयरपोर्ट विले पार्ले इलाके में बना छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है और मुख्य रेलवे स्टेशन पॉट में बना छत्रपति शिवाजी टर्मिनस है। आप महाराष्ट्र के किन शहरों में जा चुके हैं ये कमेंट करके जरूर बताएगा। कमेंट करके स्क्रीन पर आ रही हमारी अगली वीडियो भी जरूर देख लें।